आज मैंने फूड सेक्शन में यहाँ पे सूजी का चिल्ला बनाया है, तो इसको हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि बिना अंडे का आमलेट है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बिना ही प्रिपरेशन करे आप इसको बना सकते हैं, जो कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्मिता फूड एंड फैशन। इस रेसिपी को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले सूजी ली है, जिसको कि 2-3 घंटे के लिए मैंने पानी में सोख करके छोड़ दिया है, जिससे ये इसने पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके बाद मैंने एक अनियन लिया है जिसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, और साथ में 3-4 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इन सबको हम मिला लेंगे। हरी मिर्च और मैंने अनियन जो लिया था वो इसमें मिला दिया, और साथ में 1/2 टेबल स्पून के करीब गोल मिर्च पाउडर लिया है, उसको मिला दिया। अब यहाँ पे मैंने सब्जी मसाला लिया है, तो आपके पास कोई भी मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद मैंने सॉल्ट लिया है, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, और इन सबको बहुत अच्छे से मिला लें। अब इसको मैंने चेक किया तो इसमें थोड़ा सा मुझे पानी डालने की और ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉल सूजी लिया था, और उसके बाद उसमें बिल्कुल एक बॉल के बराबर मैंने वहाँ पे पानी डाला था। तो अभी यहाँ पे मुझे ये इसमें थोड़ा सा और ज़रूरत है पानी डालने की, तो इसका बैटर आपका इसी तरह का होना चाहिए। ये देखिए, अब बस अब ये रेडी है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब एक पैन चढ़ाया है मैंने, तो जो भी डोसा पैन है आप वो ले लें। अब इसमें मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो कम ही हम यहाँ पर घी या ऑयल यूज़ करेंगे। अब ये गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर हम ये जो हमने बैटर बनाया था सूजी का वो डाल देंगे। तो इसको डालने के समय आप 1 स्पून के करीब यहाँ पर आप डालें, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इसको फैलाएं। इस तरह से तो ये देखिए, ऊपर से ये थोड़ा सा पकने लग गया है, और इसके नीचे में देखते हैं तो ये भी बहुत हल्का अच्छे से पक रहा है, ये देखिए। और इसको बहुत ही पतला हमें रखना है। ये 1 साइड हो गया है, अब इसको हम फ्लिप कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल अंडे के आमलेट की तरह आता है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो भी इसको एक बार यूज करके देखें, बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है, और बहुत हेल्दी है। आप इसको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको किसी भी चटनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ, तो इसको बिल्कुल डोसा की तरह भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, और ये बस रेडी है प्रेजेंट करने के लिए। इसको मैंने सॉस के साथ प्रेजेंट किया है, और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना।